यार भैया ये वाली चीज अभी तक टाटा ने इम्प्रूव नहीं करी। बोट ड्राइव मोड ये एक्टिवेटेड। अब मैं इसे रेव करूंगा ना, ये देखो कैसे खींचती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये देख लो भाई, टाटा का फुल एसयूवी लाइनअप। बेटा, डैडी, ग्रैंडफादर, आज हम ग्रैंडफादर को चलाने वाले हैं, यानी कि ऑल न्यू टाटा सफारी को हम चलाने वाले हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है, आई मीन वॉक अराउंड रिव्यू देखना है, आई बटन पे ना वीडियो आ रही होगी, आप उसे देख सकते हैं। बट आज की वीडियो में ना हम इसे ड्राइव करने वाले हैं बिल्कुल ही फुल थ्रॉटल पे। भाई कोशिश करेंगे इसे ड्राइव करने की, आई मीन जितनी भी स्पीड लिमिट है ना उस पे इसे ड्राइव करेंगे। बिल्कुल ही मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा कि रियल लाइफ में टाटा सफारी चलाने में कैसी है कैसी नहीं। बाकी ड्राइव वीडियोस की बात करें ना, हैरियर की भी आ रखी है, नेक्सॉन की भी आ रखी है, आई बटन में ना आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जोन से भी आपको देखनी हो आप देख सकते हैं। बट यस, इस वीडियो में ना हम केवल और केवल सफारी की बात करेंगे। भाई कार नो डाउट बहुत ही जबरदस्त है। जो मेन चीज मुझे इसमें लगी ना, बेस्ट इन सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट से ऊपर से भी ना अच्छा काम करेगी। 19 इंचेस के ना इसमें आपको टायर मिल जाते हैं और अलॉय व्हील्स का डिजाइन देख लो। और आज मैं आ रखा हूँ भाई विजन टाटा मोटर। ये ना नया शोरूम खुला भाई हमारे पंचकूला में, इंडस्ट्रियल एरिया में। स्क्रीन पे ना नंबर वगैरह आ रहा होगा, अगर आप इंटरेस्टेड है टाटा की कार्स में तो आप इधर विजिट कर सकते हैं। ऐसा कुछ है भाई, सफारी का डोर ट्रिम, और ये देख लो सीट्स पीछे जा रही हैं, यानी कि इसमें वेलकम फंक्शन भी आपको मिल जाता है। और आज है मेरे साथ साही भैया। भैया क्या हाल है? बढ़िया भाई। चलो भाई कार को हम ऑन करते हैं। ये आप देख सकते हैं इंटीरियर कार का, लाजवाब इंटीरियर है यार, कोई दिक्कत वाली बातचीत है ही नहीं। सीट में थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी लेवल इज लो। अच्छा, ये वार्निंग्स भी देती है भैया, ये क्या बात है। टायर प्रेशर भी एक बार ब्लोअर भी कम कर देते हैं। ये किस चीज की वार्निंग दे रही है बार बार? अच्छा, ये बचते रहेगा ऐसे, थोड़ा रीसेट भाई। यही होता है, इतनी फीचर्स है ना कार में, कुछ ना कुछ दिखते भी लगती हैं फीचर्स में। हो गया, बंद हो गया बंद। चलो भाई बहुत बातें हो चुकी हैं, अब एक बार ना हम डी पे कार को डाल देते हैं। गियर नो आप देख लो कार का कितना ही बढ़िया लगता है। बाकी तो हाँ, सीट भी मैंने एडजस्ट कर ली है, कमांडिंग पोजीशन पे आ चुके हैं। इसमें ना आपको 360 कैमरा मिल जाता है भाई, मतलब की इतनी बड़ी कार है यार, इधर उधर से निकालने में दिक्कतें आती है ना, 360 कैमरा हेल्पफुल तो कहीं ना कहीं रहता ही है। एंड यस, सफारी में जो भाई मेजर चीज चेंज हुई है ना, स्टीयरिंग व्हील, अब इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसका रिस्पांस अभी तक तो बढ़िया लग रहा है, बाकी तो यार हाईवे पे जाके पता चलेगा। और जो ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, इधर भाई रोड्स इतनी ज़्यादा बेकार है ना भाई, खड्डे इतने ज़्यादा हैं। बट अगर आप इतनी ह्यूज सी एसयूवी में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे तो आपको कोई दिक्कत वगैरह आएगी नहीं। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो इसका, कितना ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही लग्जीरियस सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगता है। थीम वगैरह ना हैरियर की चेंज है, इसकी चेंज है, कलर थीम वगैरह चेंज है ना इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। हाँ, मतलब ये लगभग है तो सेम ही, बट स्टिल कलर थीम ना अलग है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, वही 12 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो टॉप वेरिएंट्स में आती है सफारी और हैरियर में। इससे नीचे आपको 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। बाकी फीचर्स वगैरह की बात करें, इसमें वायरलेस आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, AQI इंडेक्स मिल जाती है। दिल्ली में तो बुरे हाल है भाई, मैंने सुना पोल्यूशन के, इधर 223 है, इधर भी पहले से तो बुरे हाल हो चुके हैं। बाकी यस, AC हम ऑन कर लेते हैं, ऑटोमेटिक पे कर देते हैं, ड्यूल जोन है, इसमें आपको AC भी मिल जाता है। या जो टच पैनल है ना, ये कहीं ना कहीं देखो फ्यूचरिस्टिक तो लगता है, बट स्टिल एक होता है ना कि जो नॉब्स वगैरह हो, जैसे इधर की साइड तो है बट ब्लोअर का भी वो नॉब होती, ये मेरे देखो पर्सनल ओपिनियन है, वो बड़े इजी से रहते हैं ऑपरेट करने। बट एनीवे, अब ड्राइविंग की बात करते हैं, देख लो कैसे कैसे पैचेस हैं, बट स्टिल कार स्मूथली निकल रही है। ऐसा जो इसके सस्पेंशन है ना, मतलब इतने ज्यादा मुझे तो पर्सनली स्टिफ नहीं लगे, खड्डे वगैरह ऐसे जितने फील होते ही नहीं है। बाकी जहां जहां पे कार को मैं टच कर पा रहा हूं, ऑल सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट है, लेदराइज सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट है, यहाँ तक कि डैशबोर्ड भी इधर की साइड ना आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, इधर भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है। एंड उसी के साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की बात करें, स्टीयरिंग व्हील आपको होते हैं रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है, इधर आपको ना पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, आज हम इनका भी यूज करेंगे क्योंकि आज हमारे दोनों हाथ फ्री हैं, कैमरा हमने सिर पे लगा रखा है, इसलिए बहुत ही मजा आने वाला भाई चलाने में तो। एंड अब एक चीज नोट करना भाई, मैंने इंडिकेटर दिया, इधर आपको लेन चेंजिंग कैमरा भी मिल जाता है जो कि बढ़िया बात है। हैरियर की ड्राइव वीडियो में भी ना मैंने आपको चीजें बताई थी कि भाई जो इसकी कैमरा क्वालिटी है ना वो टॉप नॉच है। बट हाँ, अब हल्का फुल्का ना कार को हम रेफ करके देखते हैं। NVH लेवल की बात करें, मतलब कि इंजन वगैरह ना आपको सेम ही मिलता है। और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, 2000cc का डीजल इंजन इसमें आपको मिलता है जो प्रोवाइड करता है 168 bhp विद 350 Nm ऑफ टॉर्क, और 6-speed भाई गियरबॉक्स है, टॉर्क कन्वर्टर हुंडई से सोर्स्ड है गियरबॉक्स। इंजन की बात करें, वही फिएट वाला ना इसमें आपको इंजन मिल जाता है। और ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, जैसे मैं लेन चेंज कर रहा हूँ ना, वार्निंग वगैरह भी ना कार दे रही है, लेन डिपार्चर वार्निंग जिसे हम कहते हैं। ये वैसे आप ऑफ भी कर सकते हो भाई, आई नो बहुत तो कोई इरिटेटिंग फीचर भी लगता है। स्पीड लिमिट भी इधर लिखी आ चुकी है, क्योंकि इस रोड की जो स्पीड लिमिट है ना वो 90 है, तो ऊपर भी देखो स्पीड लिमिट भी लिखी आ चुकी है। मैं जैसे धीरे करूंगा देखूं हटता है स्पीड लिमिट का साइन, स्पीड लिमिट का वो देखो साइन भी हट गया, मतलब ये वार्निंग के लिए आ जाता है भाई, नियर बाय हो जाएंगे। बहुत ही सही यार, एक बार ना मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। अब देखो मैं रेव करा भाई, गियर डाउन भी कर दिया इसने, ठीक है। अब देखना ये देखो आ गया ना स्पीड लिमिट लिखा हुआ भाई, जो ऐसी ऐसी चीजें हैं ना
लाजवाब है और ऐसी छोटी मोटी चीजें ना कोई बताता भी नहीं है भाई, जो अटेंशन टू डिटेल है। एंड हमारे यहाँ तो वैसे ही बड़ा यूजफुल है क्योंकि आगे पुलिस खड़ी होती है हर बार। इसमें ना आपको चारों टायरों में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात भाई ब्रेकिंग की आती ही नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कमेंट सेक्शन में आ रखा था एक चीज, वो मैं आपको बताता हूँ, ये नी वाली चीज। यार भैया ये वाली चीज अभी तक टाटा ने इम्प्रूव नहीं करी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे मतलब ये सबको ही पता है, टाटा के जो वो है एम्प्लॉइज उन्हें भी पता है कि ये दिक्कत आती है, कुछ रीजन नहीं है इसका, है ना? ये नहीं टाटा ने इम्प्रूव करा, वरना इसके अलावा भाई हर चीज टाटा ने इम्प्रूव कर दिया। आपको ना एक दिक्कत कार में नहीं लगेगी भाई, मतलब पर्सनली मैं आपको बताऊं एक दिक्कत नहीं मुझे लगती, बस ये वाली कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रहती है, ठीक है। बट जो बंदा चलाता है डेली लाइफ में वो यूज टू हो ही चुका होगा यार, जो मुझे लगता है। अगर कोई कस्टमर है भाई सफारी का तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप ये नी प्रॉब्लम को कैसे गिनते हैं। और अब प्रॉब्लम्स की बात हो ही रही है, मुझे भी पता है भाई, मैंने पुरानी वीडियोस में आपको बताया, मैं फिर से अब रिपीट तो क्या ही करूंगा, बट स्टिल अब वीडियो बना रहा हूं, बोलना पड़ता है कि ऑल व्हील ड्राइव 4x4 का अभी कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, पेट्रोल इंजन आपको नहीं मिलता है। अब इसका रीजन क्या है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता भाई। भैया आप कुछ कहना चाहोगे ऑल व्हील ड्राइव के बारे में, क्यों नहीं आ रहा? नहीं है अभी, आपको भी नहीं पता? रीजन तो नहीं है इन फ्यूचर में पेट्रोल इंजन तो कह रहे हैं आ जाएगा, पेट्रोल का तो है हाँ, ऑल व्हील ड्राइव का भी मुश्किल है ना, ऑल व्हील ड्राइव का नहीं कोई अपडेट अभी। बट हाँ भाई, इधर टेरेन मोड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, बट हाँ अब ना हम इसे लगाते हैं स्पोर्ट्स मोड में, स्पोर्ट ड्राइव मोड, ये एक्टिवेटेड। अब मैं इसे रेव करूंगा ना, ये देखो कैसे खींचती है, इंजन की ना नॉइज भी इंक्रीज हो जाती है भाई। स्पोर्ट्स मोड लगाते ना एक जर्क सा मिलता है जो कि जबरदस्त चीज है। बट इधर ना देखो D4 लिखा आ रहा है भाई, अब ना मुझे M में डालना है, तो मैंने बस ये देखो M4 में लग गई, अब देखो छोटा गियर करने M3 लगा दिया। अगर वो ये जिसको बिल्कुल ही खींचनी है ना कार, वो इसमें चला सकता है, अब ये देखो M4 लग गया। बट हाँ हल्का सा मतलब कि चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं, M4 है, M5 लग गया, ये देखो 60 की स्पीड लिमिट भी लिखी आ रही है इधर। भाई मैं आपको यही बता रहा, जैसे पेडल शिफ्टर से आप लगाओगे ना, जैसे मैंने दबाया उसके एक सेकंड बाद ये लगेगा, वो हल्का फुल्का सा ना आपको लैग फील हो सकता है अगर आप पेडल शिफ्टर्स यूज करेंगे। बट एनीवे वापस है ना हम डी में डाल देते हैं, बट हाँ हल्का फुल्का सा ना लैग तो आपको कहीं ना कहीं पेडल शिफ्टर्स में लगेगा, ये आप जब खुद टेस्ट ड्राइव करेंगे ना जब आप फील भी कर सकते हैं। डी में ये लग चुकी है। मेन तो यार मुझे इसका एक गियर नॉब लगता है, क्या गियर नॉब है, बहुत ही तगड़ा गियर नॉब लगता है। बाकी हाँ आप इधर से ना डायल वगैरह इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अपने चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया है। और इसमें ना भाई स्पीडोमीटर चल रहा है, हैरियर की वीडियो में बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, वो मैं देखो फ्यूचर वाली वीडियोज में कवर करूँ। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें भाई, ग्लोइंग टाटा का लोगो मिल जाता है, इधर आप PPF करा लेना अगर आप लोगे, ये देख लो टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। स्क्रैचेस कैसे पड़ रखे हैं मुझे नहीं पता, कैमरे में दिख रहा है नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं स्क्रैचेस आ चुके हैं। एंड अब टर्निंग रेडियस की बात करें भाई, देखते हैं मुड़ जाएगी इधर से आराम से, हाँ भाई इजीली कार मुड़ चुकी है। अब ये देखना स्टीयरिंग रिस्पांस भाई, सब ये देखो मैं वही बता रहा हूँ, जो स्टीयरिंग रिस्पांस है ना भाई लाजवाब हो चुका है। पहले तो भाई वही है शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाती थी, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील था, एंड ऐसी कुछ है कि सेम की है भाई, की में कोई चेंजेस नहीं है। लॉक अनलॉक टेलगेट पावर टेलगेट आपको मिल जाते हैं, जैसे ओपन हो सकते हैं, जैसे आप हेडलाइट अपनी ऑपरेट कर सकते हैं। एंड ये देखो भाई मैंने ना कार को 80 पे क्रूज पे लगा रखा है, ठीक है स्टेबल तो कार चली रही है। और जो 80 90 100 वाली स्पीड होती है ना ज्यादातर लोग इस पर ही चलाते हैं, तो मैं इस पर ही टेस्टिंग कर रहा हूं, सेफ बिल्कुल ही। ये देखो सीधी कार चल रही है, मतलब कि स्टीयरिंग व्हील भी सीधा है। अब ऑब्वियसली बात है हाईवे हल्के फुल्के कर्व्स आएंगे तो इधर उधर हो जाएगी, और स्टेबिलिटी एट इट पीक है। बार बार ये तंग करता है भाई, लेन डिपार्चर वार्निंग वो सब ना आप इधर से बंद कर सकते हैं, एडास वगैरह के कंट्रोल्स। और हाँ इधर ना मैं जैसे बटन दबा रहा हूँ ना वाला, इसमें लिखा रहा है अपकमिंग फीचर्स, कोई ना कोई मेरे ख्याल से फीचर अभी इसमें अपडेट वगैरह होने होंगे एडास के, वो देखो मुझे अभी क्लियर नहीं है। जो ओनर्स हैं उनको मेरे ख्याल से अपडेटेड फीचर्स भी मिल ही रहे हैं। बट हाँ फीचर्स की बात हो रही है, जैसे महिंद्रा में एड्रिनोक्स आपको मिल जाता है ना कनेक्टिंग फीचर, इसमें आपको IRA.2 मतलब कि वर्जन 2 वगैरह कुछ टाटा का चल रहा है वो इसमें आपको मिल जाता है। बाकी ऑटो डीमिंग IRVM मेमोरी सीट्स एक खड्डा आएगा भाई, सही में सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है, अंदर आवाज तक नहीं आई। बट हाँ मैं आपको ये बताया था वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें आपको मिल जाती है, मतलब कि फीचर्स वाइज ना महिंद्रा से बहुत ही आगे है। और पैनोरोमिक सनरूफ तो भाई इधर आप देख सकते हैं, इधर भी ना एम्बिएंट लाइट आपको मिल जाती है पैनोरोमिक सनरूफ में, जो कि जबरदस्त चीज है। और सेफ्टी फीचर्स की भी बात कर ही लेते हैं, वैसे आपको पता है ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार्स टाटा सफारी टाटा हैरियर ने स्कोर करे हैं, बट जो इनके टॉप वेरिएंट्स हैं ना उनमें आपको मिल जाती हैं भाई 7 एयरबैग, सेगमेंट में अगेन बेस्ट इन सेगमेंट है, नहीं तो ज्यादातर भाई 6 एयरबैग्स ही मिलते हैं। अब ये देखो रेव करा हमने, रिस्पांस भाई बढ़िया है, चलाने में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी हाईवे ड्राइविंग वगैरह है तो आप बढ़िया से चला सकते हैं। बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इसका मैनुअल लेंगे यार, उसका जो वो है ना क्लच, वो मुझे पर्सनली बहुत ही हैवी लगता है। अगर मैं इस कार पे जाऊंगा मैं भाई एनी डे ऑटोमेटिक पर ही
जाऊंगा और आप सबको भी ये कहूंगा कि यार ऑटोमेटिक ही प्रेफर करो। ये देखो अगेन मेरे पर्सनल ओपिनियन है भाई, बहुत भाई मैनुअल लवर्स होते हैं, हल्का फुल्का ना जैसे आप ट्रैफिक में चलाओगे लोअर एंड में ना हल्का फुल्का ना आपको टर्बो लैग लग सकता है, बट आप रेफ करोगे ना तब की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी टाइम क्या वैसे, मतलब जैसे बुकिंग टाइम मैक्सिमम 1 मंथ अवेलेबल हो रही है हमारे पास, पर टॉप मॉडल ना यार वो बताओ, बहुतों को डाउट है स्मार्ट और प्योर का, वो क्या सीन है, वो क्यों नहीं आ रही, जन फेब तक ही स्टार्ट हो गई, उसकी प्रोडक्शन ही नहीं स्टार्ट हो रही है, अपडेशन तो यही है अभी, बट इनके टॉप मॉडल है देखो, नो डाउट महंगा तो हो गया। सफारी हमारे इधर कितने की पड़ रही है, 30-31 तक पड़ती है ऑन रोड, और हैरियर 30 की पड़ती है, हैरियर हाँ, सफारी 31 यार मेरे ख्याल से तो भैया 32-33 तक जा रही है सफारी, जो ड्यूल टोन वगैरह टॉप है बिल्कुल, बट वो ये है यार जितने पैसे ले रहे हैं ना उस हिसाब से फीचर्स वगैरह तो दे रहे हैं, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, इस सेगमेंट को ना बिल्कुल किल कर देते, खासकर महिंद्रा की मार्केट ना बिल्कुल किल कर देते, क्योंकि आपको होता है XUV700 में ना ऑल व्हील ड्राइव मिल रहा है, N में 4x4 मिल रहा है, अगर इसमें ऑल व्हील ड्राइव भी आ जाता ना और इसी रेट में, बस फिर तो यार दुनिया इस पर ही जाती, मतलब इसमें सब कुछ ही हो जाता, बट वही बात है ना भाई, हर कार में कंपनियां सब कुछ नहीं देती हैं, वही वाला हाल भाई टाटा के साथ है, वही वाला हाल महिंद्रा के साथ है, बट ठीक है इस वीडियो को फिलहाल हम कंक्लूड करें ना। देखो मैंने आपको सारी अच्छाइयां पूरी वीडियो में बताई दी है, पूरे 10 मिनट अच्छाइयां बताई हैं, अब जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो फैक्टर्स हैं जो आपको लेने से पहले माइंड में रखने हैं, वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। एक तो वही नी प्रॉब्लम, एक जो इसका इनिशियल टर्बो लैग है वो वैसे ज़्यादातर इस सेगमेंट की कारों में है ही वही हल्का फुल्का लैग, बट हाँ लेथार्जिक सी परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं भाई इसकी लगेगी। मुझे पर्सनली लगता है महिंद्रा के इंजन स्पेसिफिकली XUV700 बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उसकी है इस सेगमेंट की अगर हम बात करें, इसके अलावा तो यार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 4x4 ऑल व्हील ड्राइव की यूसेजेस नहीं है, ऑफ रोड वगैरह आपको नहीं करने, तो आप सफारी पे जा सकते हैं, सिटी हाईवे वगैरह मतलब कि भाई रोड्स ऐसी हैं प्लेन वगैरह उन पे चलने तो ऑब्वियस बात है आप सफारी पे जा सकते हैं। बाकी तो यार आफ्टर सेल सर्विस वो सब चीज़ें आपको भी पता ही है, रस्टिंग इश्यूज फुलाना ये सब तो देखो सोशल मीडिया पे ना फेमस हो जाती हैं चीज़ें, तो सामने आ जाती हैं, बट मुझे नहीं लगता ज़्यादातर अब ये ऐसा करेंगे भाई, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट हो चुका है एंड एट द एंड ऑफ द डे सर्विस तो हो ही है, डीलर टू डीलर डिपेंड करती है, रस्टिंग इश्यूज मेजरली ना आए ना तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। बट यस अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है टाटा की कार से रिलेटेड, आप विजन टाटा मोटर्स Phase 1 में आप आ सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं भाई, नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अब देख लो एक बार चला ली ना हाथ खुल गया तो आराम से इसे कहीं पे भी घुसा सकता हूँ अब मैं, एंड पी पे ना ये देखो ऐसे लग जाती है, पी दबाया पी पे लग गई, बट एनीवे मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।